नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। मिजल्स रुबेला की रोकथाम के लिए 7 अगस्त यानी कि आज से टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। सघन इंद्रधनुष अभियान के तहत मिजल्स रुबेला की रोकथाम के लिए आज से इसकी शुरुआत हो रही है। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। प्रवीण जी, आज से ये जो अभियान है शुरू किया जा रहा है, इंद्रधनुष अभियान, आज से कब तक ये अभियान जारी रहने वाला है? साथ ही क्या कोई अलग अलग तारीख यहाँ टीकाकरण के लिए रखी गई है और कितने चरणों में ये टीकाकरण होने वाला है? क्या कोविड टीकाकरण की तरह इसमें भी किसी पोर्टल के माध्यम से ये टीकाकरण होने वाला है? कुल पूजा, जिस तरीके से आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आह्वान किया था स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य अमले से, कि हम पूरे देश में जो है वो देश के बच्चों को मीजल्स और रूबेला से मुक्त कराएं। 2023 का लक्ष्य दिया है कि 2023 में जो है मीजल्स और रूबेला को से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जिस तरह का लक्ष्य है उसको लेकर लगातार चरणबद्ध टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो बच्चे छूट जाएं मीजल्स और रूबेला से, उनका टीकाकरण किया जाए। अंत में 2023 के अंत तक एक भी ऐसा बच्चा ना हो जो मीजल्स और रूबेला से के टीकाकरण से वंचित रहे। तो इसीलिए ये लगातार अभियान चालू है। अब सघन इंद्रधनुष मिशन 5.0 की शुरुआत होने जा रही है, साथ ही एक यूएन पोर्टल जो है उसका भी लॉन्चिंग किया जा रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर गुप्ता जी। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का अभियान है, कैसे इसकी शुरुआत होगी और कब कब टीकाकरण किया जाए? सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 टीकाकृत करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, जिसमें कि 0 से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को, जिनके कि रूटीन टीकाकरण से टीके छूट गए हैं किसी कारण से, या रूटीन में भी जिनके टीके ड्यू हैं, उनको टीकाकृत करना है। साथ ही जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो कि अभी तक अटीकाकृत हैं या पार्शली टीकाकृत हैं, उनको टीकाकृत किए जाने के लिए अभियान है, जो कि 3 चरणों में किया जाना है, जिसमें पहला चरण आज से चालू हो रहा है। 7 तारीख से लेकर 12 तक ये अभियान रहेगा। इसके बाद दूसरा जो चरण है वो सितंबर में रहेगा और फिर एक अक्टूबर में। 6 दिवसीय ये लगातार चलने वाला सत्र रहेगा, जिसमें हमारे शहर के, जिले के जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ पर ANM जाएंगी और इन बच्चों को, चूँकि पहले से हमने लिस्ट आउट किया है, घर घर जाके ANM आशा के द्वारा इन बच्चों को, जो जो बच्चे छूट गए थे उनकी लाइन लिस्टिंग की गई है, उनको आज बुला के टीकाकृत किया जाएगा। उसी प्रकार अगले दिन अगले सत्र स्थल पर जाकर उस क्षेत्र के बच्चों को टीकाकृत किया जाएगा। डॉक्टर तरुण, हम देखते हैं कि एक यूविन पोर्टल का भी लॉन्चिंग है, क्या इस यूविन पोर्टल को हम क्या समझें और कितना महत्वपूर्ण है ये पोर्टल? बिल्कुल, जिसको बोलना चाहिए बड़ा ही एक नया क्रांतिकारी कदम है और देश का भी क्या सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, जिसमें टीकाकरण की जो सारी रिकॉर्ड्स हैं वो ऑनलाइन अपडेटेड रहेंगे। इसके अंतर्गत जैसे आप अगर समझें तो कोविन पोर्टल था जो कि कोविड टीकाकरण के लिए था, जिसमें हम कोविड से जितने भी वैक्सीन रखे थे उसका डेटा हम डिजिटली सर्टिफिकेट अवेलेबल होता था, जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता। उसी प्रकार यूविन, यू फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, राष्ट्रीय टीकाकरण, और विन फॉर विक्ट्री, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए यूविन पोर्टल रखा गया है। जैसे सुविधा होती थी कोविन पोर्टल में बेनिफिशियरी अपना स्लॉट बुक कर पाता था, यहाँ पे भी ये सुविधा है कि कोई भी हितग्राही अपने बच्चे के लिए टीकाकरण की जगह चूज कर सकता है, वहाँ पे स्लॉट बुक कर सकता है। तो एक तो ये हो गया कि बेनिफिशियरी मोड पे। दूसरा, जैसे हमारा वैक्सीनेटर, जब हम पोर्टल पे हम वैक्सीनेट करते थे तो एक आधार कार्ड से वेरीफाई करते थे और एक वैक्सीनेट करते थे, फिर एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता था। उसी प्रकार जो हमारी ANM है वो इस बच्चे को, मदर फादर को रजिस्टर करेंगी, बच्चे को रजिस्टर करने के बाद, जब वैक्सीन लगाने के बाद उसको वैक्सीनेट करेंगी पोर्टल पे, तो एक डिजिटल एक्नॉलेजमेंट आएगा जिसके माध्यम से वो सर्टिफिकेट उन्हें डाउनलोड मिलेगा। ये सर्टिफिकेट कहीं पे भी मोबाइल नंबर के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा। सिर्फ जो हितग्राही को लाना है वो मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या अन्य कोई भी आईडी वो लाके इस पे वैक्सीनेट करा सकता है।
इसके माध्यम से वो पूरे देश में कहीं पे भी अपना सर्टिफिकेट देख सकता है, कहीं पे भी वो वैक्सीनेट करवा सकता है। इसका एक बड़ा एडवांटेज है कि रियल टाइम डाटा अवेलेबल रहेगा कि आज ही लगा और आज ही वो पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा, तो प्लानिंग पर्पस के हिसाब से वो सारी चीज़ों के हिसाब से एक अवेलेबिलिटी रहेगी। दूसरा, कोविड में भी जब वैक्सीन का ड्यू डेट हो जाती थी तो रिमाइंडर मैसेज आता था, उसी प्रकार चूँकि बच्चों के टीके 5 साल में 7 बार आना होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाने के टीके लगाए जाते हैं, 11 बीमारियों से बचाने के, तो ड्यू डेट आने पर उसमें रिमाइंडर मैसेज भी आएगा, तो कई बेनिफिशियरी अगर छूट जाता है, भूल जाते हैं, तो उसमें रिमाइंडर मैसेज भी आएगा। इसके अलावा चूँकि हमारे वर्कर हैं तो वो भी ट्रैक कर सकेंगे कि किस बच्चे का नियत समय ड्यू हो गया है, तो वो चेक कर सकेंगे। एक और ऑप्शन इसमें अवेलेबल रहेगा जहाँ डिलीवरी, चूँकि ये तो हुआ जो बच्चे फील्ड पे वैक्सीनेशन के लिए आए उनका, पर जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी डिलीवरी पॉइंट से ही डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ उसके बर्थ रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे और उसका जो बर्थ के वैक्सीनेशन है वो अपडेट हो जाएगा, और जिस गाँव का है वो विस विलेज से टेक हो जाएगा, तो वहाँ की वो ड्यू लिस्ट में पहुँच जाएगा। इसके अलावा जो हमारा मोबिलाइज़र है वो भी अपने क्षेत्र के बच्चों को प्री रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो इसमें जैसे ऑनलाइन ऑन द स्पॉट की भी फैसिलिटी है और ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की भी फैसिलिटी है। डॉक्टर तरुण गुप्ता, हम ये देख रहे हैं कि इंद्रधनुष 5.0 स्टार्ट हो रहा है, इसके चरण कितने हैं, कितनी बार जो है वो टीकाकरण के लिए अलग अलग? जी, 3 इसके चरण रहेंगे। पहला चरण जो है वो आज से मतलब 7 अगस्त से 12 अगस्त रहेगा, दूसरा 11 से 16 सितंबर के बीच में, वो तीसरा चरण जो है वो 9 से 14 अक्टूबर का रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके का ये टीकाकरण का तो है, लेकिन क्यों ये टीकाकरण जरूरी है, इस पर बात करने के लिए हमारे पास चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण जड़िया मौजूद है। क्यों सर टीकाकरण इतना ज़रूरी है, और मीजल्स रूबेला किस तरह की बीमारी है जो बच्चों में होगी और उससे मुक्ति के लिए हम ये अभियान चलाएं? देखिए, कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो बच्चों में होती हैं खासतौर पर, और जानलेवा बीमारियाँ होती हैं, लेकिन इन्हें यदि समय पर टीकाकरण कर लिया जाए तो बचाया जा सकता है। इन बीमारियों को हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ यानी कि VPD बोलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण का जहाँ तक सवाल है, ऐसे टीकाकरण में हम लगभग 12 बीमारियों का बचाव हम करते हैं टीकाकरण के माध्यम से, और ये टीकाकरण पूर्णतः निःशुल्क है, और ये राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका के तहत हम निःशुल्क इसका प्रदाय कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी यदि कुछ बच्चे हमारे नियमित टीकाकरण सत्र में नहीं आते हैं या किन्हीं कारणों से छूट जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम घर घर जाके या उनके क्षेत्रों में जाके या ऐसे क्षेत्र जो हमें जिन्हें दुर्गम क्षेत्र कहते हैं, हाई रिस्क क्षेत्र कहते हैं, ऐसी जगहों पर सत्र लगाकर उन लोगों को पुनः टीकाकरण करके छूटे हुए बच्चों की श्रेणी से बाहर निकाल के उनको टीकाकरण करना चाहते हैं, ताकि वो उनका जोखिम कम हो जाए और वो इन जानलेवा बीमारियों से बच सकें। सर, मीजल्स रूबेला के लिए सिर्फ टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है कि कोई और भी इस तरीके से किया जाए? मीजल्स और रूबेला बहुत ही जानलेवा बीमारियां होती हैं। मीजल्स मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, और ये बाहर में जाके मस्तिष्क को प्रभावित करने के बाद विकलांगता को प्रभावित कर देता है। इसी तरह से रूबेला बच्चियों में यहाँ तक कि उनकी प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर देता है और मृत्यु कारक भी हो जाता है। बच्चे भी विकलांग पैदा होते हैं यदि बच्चियों को रूबेला सिंड्रोम हो जाता है। तो इस तरह से इन बीमारियों के हो जाने के पश्चात इनका अन्य कोई उपाय नहीं होता है, तो बेहतर यही रहता है कि इन्हें वैक्सीनेशन के द्वारा यानी कि टीकाकरण के द्वारा रोक लिया जाए और होने ही ना दिया जाए। रुबेला की जिस तरह से हम बात करें, एक उम्र होती है बच्चों की जब ये टीका उन्हें लगाया जाता है, लेकिन कई बार बच्चे छूट जाते हैं और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो अगर एक टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्या कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा यहाँ बच्चों के लिए हो सकता है? जी बिल्कुल, पूजा ने सही सवाल किया कि एक हमने टाइम लिमिट की है कि 0 से 5 साल 6 माह से 5 वर्ष की, अगर इनमें भी छूट जाए बच्चे, हमारा प्रयास तो रहता है विभाग का कि हर एक बच्चा जो
जन्म लिया है उसको इस तरह का टीकाकरण किया जाए, लेकिन यदि छूट जाए माता पिता की गलती हो या कुछ और, तो क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, सामान्यतः हर टीका का एक लिमिट रहता है कि इस एज तक ही दिए जाने पर उनका असर होता है। जैसे बीसीजी हुआ, बीसीजी हुआ, पेंटावेलेंट हुआ या रोटावायरस हुआ, इनको एक साल के अंदर ही दिया जाए तो ही ये प्रभावी होता है। डीपीटी को हम 7 वर्ष तक दे सकते हैं, एमएमआर को हम 5 वर्ष तक दे सकते हैं। इस तरह से एक लिमिट रहती है जो कि रिसर्च के द्वारा तय होती है। अतः ये एक निश्चित उम्र तक ही दिया जाना उचित होता है। इसलिए प्रचार प्रसार के माध्यम से, और जैसे आपने जो प्रश्न पूछा, ये बहुत ही उचित प्रश्न है और सामयिक प्रश्न है, और आपके माध्यम से मैं ये जनमानस तक पहुंचाना चाहूँगा कि लोग ये ध्यान रखें। और जैसा कि एक अमिताभ जी का एक बहुत ही टैग लाइन है जो हम लोगों ने काफ़ी अपने प्रचार प्रसार में इसको इस्तेमाल किया है कि 5 साल 7 बार छूटे न टीका एक बार, एक भी बार। तो ये माता पिताओं को ये ध्यान रखना है कि 5 साल की उम्र तक हमें 7 बार टीकाकरण कराने जाना है और 7 बार हमें सुई ज़रूर लगवाना है, और तभी हम सारे टीके लगवा पाएंगे और तभी हम सभी 12 जानलेवा बीमारियों से बचा पाएंगे। अगर ये छूट भी जाते हैं तो फिर उसके दुष्परिणाम सामने को देखने को मिलते हैं। हमको इसके लिए पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। विभाग इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाता भी है, लेकिन हर एक पेरेंट जो अब वैसे भी लिटरेसी बढ़ गई है तो इसीलिए जागरूकता भी उसके मुताबिक हो गई। तो अब आप पहले की तुलना में क्या पाते हैं? पहले आप प्रैक्टिस करते रहे टीकाकरण के प्रति, परिजनों की जो ज्ञान था वो, और अब में कितना अंतर है? निश्चित तौर पे प्रिंट मीडिया देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, और इन सब का जो आज सोशल मीडिया देखें, इन सब के माध्यमों से जो लोगों तक जानकारियां पहुंचती हैं, इनसे लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। अब ये होता है कि यदि हमारे पास कोई एक बच्चा आता है सर्दी खांसी को लेके या डायरिया को लेके, तो वो एक बार ये ज़रूर पूछता है कि बच्चे की उम्र साहब 4 वर्ष है, इसे और कौन सा टीका लगना है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंतर्मन में ये बात ज़रूर चल रही होती है कि बच्चे को टीका लगवाएं तो उनको कई अन्य बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो ये इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों का भी बहुत बहुत योगदान है, और मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और भविष्य में भी ये आप लोगों से उम्मीद रखूँगा कि ऐसा ही प्रयास आप लोग करते रहें। सर, निजी और सरकारी अस्पतालों में वैसे चिकित्सक आमतौर पर जागरूक करते ही हैं, लेकिन क्या आपने अपनी भी प्रैक्टिस में डाला है कि जो बच्चा आप तक पहुँचता है उसके पूछा जाए उसके परिजन से कि क्या टीकाकरण किया है? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मेरी आदत में आ गया है कि किसी भी मर्ज से मेरे पास बच्चा आता है तो जब मैं उसकी हिस्ट्री लेता हूँ तो उसके सारा और उपचार कर देता हूँ, तो जब उसका पर्चा बना देता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, तो अंतिम प्रश्न मेरा ये रहता है कि इस बच्चे की उम्र आधारित सभी टीके लगे हैं अथवा नहीं लगे हैं। यदि नहीं लगे हैं तो क्या कोई विशेष कारण रहा है या आपकी लापरवाही के कारण नहीं लगा है? यदि नहीं लगा है तो आप नज़दीक के किसी आंगनवाड़ी केंद्र में या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीके लगवाएं। और यदि कोई असुविधा होती है, तो चूंकि मैं इस ज़िले में 2016 से 2021 तक जिला टीकाकरण अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहा हूं, तो लगभग सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं, तो मैं उन्हें अपना नाम और नंबर दे देता हूं। मेरे समस्त प्राइवेट चिकित्सकों को, मेरे समस्त प्राइवेट क्लाइंट्स को, मेरे समस्त मरीजों को, परिजनों को, कि यदि किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप उन्हें मेरा नाम बता दें, और किसी भी तरह की परेशानी को मैं हल करने का पूरा प्रयास करता हूं। और मेरे अन्य जो चिकित्सक साथीगण हैं उनसे भी मैं, जो हमारी CMEs होती हैं, उनमें ये बात रखता हूं कि आपको एक इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री अवश्य लेना चाहिए, और ये बात किसी न किसी तरह से प्रोत्साहित अवश्य करना चाहिए कि जो टीके नहीं लगा सकते, प्राइवेट में नहीं लगा सकते, तो वो टीकाकरण केंद्र में जाएं और लगाएं।
आपसे मैं एक बार ये पुनः आग्रह करूंगा कि जो हमारा शासकीय टीकाकरण केंद्र है उसे एक बार अवश्य देखें और इसे जनमानस तक पहुंचाएं कि एक शासकीय टीकाकरण केंद्र भी इतना सुंदर हो सकता है। बिल्कुल, टीकाकरण अधिकारी हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो हम कर रहे हैं उसमें लक्ष्य कितना, कितने बच्चों को जो हमको है टीकाकरण करना। इस सघन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत हमने जो हेडकाउंट सर्वे किया है जिसमें आशा कार्यकर्ता घर घर गई हैं और उनके बच्चों को लिस्ट किया है, तो करीब 11,069 बच्चे हैं जिनको हमने लक्षित किया है, जिनको हमें टीकाकृत किया जाना है। साथ ही करीब 2700 प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनको कि वैक्सीनेट किया जाना है इस अभियान के दौरान। और नए बच्चे जिस तरीके से कहा कि आपने कि अब यूविन पोर्टल जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसके बाद फॉलोअप, तो क्या टीकाकरण जो जिला टीकाकरण अधिकारी हैं वो लगातार उन लोगों का भी फॉलोअप लेंगे चाहे वो निजी में हो या सरकारी में हो? जी बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने बताया था कि एक डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल है जहाँ पे से जो डिलीवरी होगी वो आउटकम उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा। तो अभी इनिशियल फेज़ में गवर्नमेंट के जितने डिलीवरी पॉइंट्स हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया है, साथ ही शहर के जितने भी प्राइवेट डिलीवरी पॉइंट्स हैं जहाँ डिलीवरी होती है उन सबको भी रोप इन किया जाएगा, जिससे वहाँ पे जितनी डिलीवरी होने वाली हैं वो सब जो हैं वो यूविन पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन हो सके और उनका वैक्सीनेशन जो है हम ट्रैक कर सकें। पूजा कुछ जानना चाहती है? जी पूजा, जिस तरह से हमने टीकाकरण की सारी चीज़ें यहाँ पर जानी, लेकिन अब अगर बात करें मैदानी अमले की तो इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, क्या आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस इंद्रधनुष अभियान के तहत ये मोर्चा संभाल रही है? वहीं क्योंकि पिछले टीकाकरण की अगर बात करें तो कुछ 2,32,00,000 रिकॉर्ड यहाँ दर्ज किया गया था, वहीं इस बार ये अभियान इंद्रधनुष के तहत इसे पूरी तरह से मिजल्स और रुबेला को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, तो क्या कुछ यहाँ पर इस वक्त ये जो टीकाकरण होने वाला है इसमें क्या ये खात्मा हो सकता है, क्या इस तरह से पूरी ज़मीनी तैयारी यहाँ हुई है? मीजल्स रूबेला से मुक्ति के लिए हमारा मैदानी अमला कितना तैयार है? जी बिल्कुल, जो लक्ष्य है मीजल्स रूबेला मुक्त भारत का दिसंबर 2023 तक, उसका लक्ष्य यही है कि उसको तभी किया जा सकता है जब हमारे क्षेत्र का वैक्सीनेशन कवरेज प्रत्येक बच्चे का 100% हो। अगर हम पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें तो मोर देन 95% अगर MR1 और MR2 का कवरेज हम कर पाते हैं तो हम मीजल्स रूबेला को एलिमिनेट कर पाएंगे। यही लक्ष्य, ऐसा ही हमने स्ट्रेटजी पोलियो के लिए की गई थी कि प्रत्येक बच्चे को हमने पोलियो की दवा पिलाई, किसी को भी हमने छोड़ा नहीं और लगातार कवरेज करने से हम पोलियो से मुक्ति पा पाए। साथ ही उसके साथ निगरानी तंत्र भी हमें इतना ही मजबूत रखना पड़ेगा, जैसे पोलियो के दौरान कोई भी लूज लकवा वाला बच्चा आता था तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते थे कि ये कहीं पोलियो के कारण तो नहीं है, उसी प्रकार क्षेत्र में सतत निगरानी आवश्यक रहेगी कि कोई भी फीवर विद रैश यानी कि बुखार के साथ दानेदार लाल दाने शरीर पर हैं वो हमने हमारे वर्कर को भी ट्रेन कर रखा है तो उसकी सूचना तुरंत से दी जा सके जिससे हम इन्वेस्टिगेट कर सकें कि ये मीजल्स रूबेला तो नहीं है। तो मीजल्स रूबेला का संक्रमण रोकना पड़ेगा और संक्रमण की चेन रोकने के लिए हमें प्रत्येक बच्चे का वैक्सीनेशन करना होगा और इसकी विस्तृत हमारे जो वर्कर्स हैं उनका ओरिएंटेशन किया जा चुका है और इसी दिशा में सभी लगातार काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल पूजा, सरकारी अमला और सरकारी तंत्र तो मैदान में उतर चुका है इंद्रधनुष मिशन 5.0 के माध्यम से, हर एक बच्चे को जो है वो मिजल्स रूबेला का टीका लगाने का अभियान प्रारंभ किया गया है। अब बारी है परिजनों की कि वो सतर्क और सचेत रहे और जागरूक रहे कि वे अपने बच्चों का समय पर टीकाकरण करके इन गंभीर बीमारियों से उन्हें बचा सके। जी बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगस्त से अक्टूबर माह तक चलने वाले इस अभियान को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली है, सभी लोग तैयार है इस अभियान के चलते। यूविन पोर्टल के जरिए यहाँ से जानकारी ली जा सकती है, सारा अपडेट इस पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। जिस तरह से कोविड के टाइम पर एक पोर्टल बना था वैसे ही यूविन पोर्टल रहेगा इस अभियान से जुड़ने के लिए, और यहाँ पर ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है सचेत रहें उनके बच्चों को ये टीका लगवाने के लिए, और एक जो लक्ष्य रखा गया है 2023 तक इस बीमारी को ख़त्म करने का, उम्मीद करते हैं कि ये लक्ष्य सक्सेसफुल हो, सफलता को प्राप्त करें और ये जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं ये इनका खात्मा हो सके। फिलहाल यहाँ लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।